पैकेट वगैरह गिरा रखे हैं इन्होंने पूरे। ये देखो, ये देखो हाथी पूरा आगे गया हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज फिर से मैं रात सोया था उसी ट्री हाउस में जो कि था एक कटल के पेड़ पे। भाई इस पे कटल भी लगे हैं ये रहे। तो अभी चाय पी के नाश्ता करके अपने निकलते हैं जीप सफारी पे, ऑफ रोडिंग टाइप है थोड़ा सा जंगल के अंदर, और देखते हैं कौन सी गाड़ी लाते हैं। रात तो बोला तो था नेवल थार लाएंगे भाई, बोला एकदम मज़ा आ जाएगा। और अभी चलते हैं अपने नाश्ता करेंगे। और कपड़े क्या है कि सारे गीले हैं तो ये सूखे बच्चे हैं तो ये पहन रहा हूँ। और अभी रेनकोट डालते हैं बाहर, और ये गजब की बारिश फिर से, क्योंकि यहाँ पे मेरे को हो गया आज 8वां दिन है केरला में और अभी तक भाई बारिश नहीं रुक रही। बढ़िया बारिश हो रही है, आए थे उस दिन से हो रही है, दिन रात बस कम हो जाती है थोड़ी सी और फिर वापस तेज़ हो जाती है। तो अभी निकलते हैं। ये देखो मेरे ट्री हाउस का गेट छोटा सा है तो अपने पास जिसको आना है उसको झुक के आना पड़ता है भाई। तो अभी निकलते हैं, अपने तैयार होते हैं थोड़ा बहुत और नाश्ता करते हैं, और फिर दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ की ऑफ रोडिंग जीप सफारी। तो ओके निकलते हैं, तो लेट्स गो टू द जंगल सफारी विद ओल्ड थार ब्रो। तो भाई चलो चलते हैं जंगल वाली सफारी पे, ऑफ रोड ट्रैक पे। और ये अपनी थार जिसमें अपने चलने वाले हैं, अभी ड्राइवर आया नहीं है। तो ये बीच रिजॉर्ट किया और ये वो सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी तो लगभग एड्रेस लिख रखा है और अलग अलग टाइप के रूम्स का, जैसे द विलाज और ये ट्री हाउस हो गया, टेंट कैंप हो गया, वैली न्यू हाउस हो गया, मॉम्स रेंटल शॉप, अच्छा ये तो इधर शॉप है, और ऑफ रोड ट्रैक, जिप वे, डेयरी फार्म, गोट फार्म, जंगल पॉन्ड्स, मड हट्स, केव्स, कैंप फायर, कलारी, द मसाज सेंटर, वो जो मैं बता रहा था आयुर्वेदिक सेंटर वो है। तो भाई यहाँ पे ये चीज़ें इसके अलावा और भी है जो पीछे थी, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में दिखा दी थी। तो अभी फाइनली अपने तो जा रहे हैं ऑफ रोड ट्रैक पे, तो लेट्स गो, लेट्स डू इट, क्योंकि दो दिन से पेंडिंग पड़ा था, ये आज डन करते हैं, आज अपनी सारा प्रॉपर्टी विजिट हो जाएगा। तो भाई ये इतना गजब का रिजॉर्ट था, मतलब अपने आप में ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो हम यहीं पर रुक के हमने फैसला किया था इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, तो वही कर रहे हैं। तो ओके अभी चलते हैं सफारी पे, लेट्स गो। भाई चढ़ नहीं रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गीला आ गया तो ऊपर नहीं आ पा रही वो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आ जाए। तो भाई बहुत खतरनाक ऑफ रोड ट्रैक है ये वाला, मज़े आ गए इसमें। तो लेट्स गो स्टार्ट द सर्च। तो चलो करते हैं कुछ, निकालते हैं बढ़िया सा। वो जो सबसे प्यारी चीज़ है वो है ये, इस पर अभी मस्त लेटो, सामने से बढ़िया व्यू दिखेगा। तो चलो इस पर चलते हैं और देखते हैं क्या नज़ारे हैं। ऐसे जाना था तुम लोगों को, ओ ये तो बहुत ज़्यादा रस्सी से जाते हैं, जो मजा लेके खोल अब आ गया व्लॉग में। तो फाइनली हमने जिप लाइन भी कर ली भाई, ये देखो वापस जा रहा हूँ खा के।
और एक बार जाएंगे। वन मोर ओके वन टू थ्री गो। भाई लोग अभी हम आए थे और यहाँ पे हाथी के सांप छोड़े हुए हैं भाई, पेड़ वगैरह गिरा रखे हैं इन्होंने पूरे। ये देखो हाथी पूरा आगे गया हुआ है, नीचे या तो नीचे होगा या आगे होगा, अब पता नहीं कहीं भी दिख सकता है भाई। और देख के लग रहा है पूरा भड़का हुआ है हाथी, क्योंकि पेड़ वेड़ तोड़ रखे हैं। तो अभी अपने चलते हैं भाई, ट्रैक बंद है हाथी की वजह से, तो अभी नहीं जा सकते। रास्ते में आपको दिखाई दिया था मैंने क्या है, और वहाँ पे टेंट वाला शिफ्ट करने के बाद इन्होंने बताया एक और बढ़िया लोकेशन है और वाटरफॉल है ऊपर, तो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ आए थे लेकिन हाथी की वजह से बंद पड़ा है, तो अभी जाना पड़ेगा वापस, तो वापस चलते हैं। ये हाल है भाई एलिफेंट का किया हुआ, पेड़ ही उखाड़ दिया पूरा वो। तो भाई वो है वो व्यू पॉइंट जहाँ पे हमको लेके जाने वाले थे, लेकिन ट्रैक बंद होने के कारण हम नहीं जा पाए। वो देखो कितना सुंदर है, मैं और जूम करता हूँ। लगभग 2 किलोमीटर है वो, 2 किलोमीटर का ट्रैक है, और चढ़ाई तो सिर्फ यही इतनी थी, अब साइड वाली बाकी सारा यूँ पैरेलल चलना था। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी हो पाया तो, इस बार तो हाथी की वजह से बंद पड़ा है, तो अभी चलते हैं वापस। ओके गुड नाइट, और ये था आज का दिन, बाकी बची हुई प्रॉपर्टी मैंने आपको सारी दिखा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू।